वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। वास्तु दोष से सबसे पहले आर्थिक समस्याएं होती हैं। आर्थिक उन्नति ना होना, धन का कहीं उलझ जाना, लाभों का देरी से मिलना, आय से अधिक व्यय होना। अगर आपके घर में वास्तु दोष हो तो धन का गंभीर नुकसान होने लगता है। आवश्यकता होने पर धन की व्यवस्था का ना हो पाना, धन कहीं खो जाना अथवा धन का चोरी हो जाना आदि होते रहता है। दूसरी समस्या होती है पारिवारिक समस्या। वैवाहिक संबंधों में विवाद, अलगाव, विवाह में विलंब, पारिवारिक शत्रुता हो जाना, पड़ोसियों से संबंध बिगड़ना, पारिवारिक सदस्यों से किसी भी कारण अलगाव एवं अपनों से विश्वासघात मिलना। तीसरी गंभीर समस्या संतान संबंधी चिंताएं सदैव बनी रहती हैं, जैसे संतान का न होना, देरी से होना, पुत्र या स्त्री संतान का न होना, संतान का गलत मार्ग पर चले जाना, संतान का गलत व्यवहार, संतान की शिक्षा व्यवस्था में कमियां रहना। चौथी समस्या व्यावसायिक समस्या बढ़ जाती है, जैसे कैरियर के लिए सही अवसर नहीं मिल पाना, मिले अवसरों का सही उपयोग नहीं कर पाना, व्यवसाय में लाभों का कम होना, साझेदारों से विवाद, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता में पिछड़ जाना, नौकरी आदि में उन्नति अथवा प्रमोशन का नहीं होना, हस्तांतरण सही जगह नहीं होना, सरकारी विभागों में काम अटक जाना, महत्वाकांक्षाओं का पूरा नहीं होना। पांचवी समस्या वास्तु दोष के वजह से आपके स्वास्थ्य पर होता है। स्वास्थ्य समस्याओं में जैसे भवन के मालिक और परिवारजनों की दुर्घटनाएं, इस दोष के वजह से गंभीर रोग, ऑपरेशन होना तथा मृत्यु। छठी समस्या वास्तु दोष के वजह से कानूनी विवादों में फंस जाना, साथ ही कानूनी विवाद, दुर्घटनाएं, आग, जल, वायु प्रकोप आदि से भय का होना, साथ ही राज्य दंड, सम्मान की हानि आदि भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।